Assalamualaikum viewers, जी आज मेरी रेसिपी है चिकन एंचिलाडास। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैं पानी ऐड करूंगी और फिर दो ये चिकन के बोनलेस पीस हैं, इसको मैं ऐड कर रही हूँ। चिकन को सबसे पहले बॉईल करेंगे। एक छोटा प्याज है चॉप किया हुआ, ये ऐड कर रही हूँ। एक चम्मच लहसुन है चॉप किया हुआ, वो ऐड कर रही हूँ। तीन हरी मिर्चें हैं चॉप की भी, वो ऐड कर रही हूँ। धनिया है 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ, वो ऐड कर रही हूँ। कुटी हुई काली मिर्चें हैं 1/2 टेबल स्पून, वो ऐड कर रही हूँ। नमक आप टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए, ये तकरीबन 1 टीस्पून है, वो ऐड कर रही हूँ। कुटी हुई लाल मिर्चें हैं 1 टीस्पून, वो ऐड कर रही हूँ। इन सब चीज़ों को ऐड करके इसको बॉयल होने रख देंगे चिकन को, जब तक सारा पानी खुश्क नहीं हो जाता ये तब तक बॉयल होंगी। देखिए सारा पानी ड्राई हो चुका है। पानी सारा ड्राई हो चुका है, अब मैं फ्लेम को टर्न ऑफ कर दूंगी। और फिर इसको हाथों की मदद से मैं रेशे कर लूंगी। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको श्रेड कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी इसको, मैंने इसके फ्लेम को ऑन कर दिया है। थोड़ा सा वायर डालना है, तकरीबन 1 टीस्पून। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। और ये सॉस है नैंडोज की, पेरी पेरी सॉस, गार्लिक मीडियम फ्लेवर, तो वो ऐड कर रही हूँ मैं इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसको इसमें फ्राई करेंगे हल्का सा। ये देखिए मैंने ये चिकन जो श्रेड करी थी बॉईल करने के बाद उसको श्रेड कर दिया था, फिर ऑयल में फ्राई किया हल्का सा, और फिर नैंडोज की पेरी पेरी सॉस जो कि गार्लिक फ्लेवर है वो मैंने ऐड कर दिया था। तो ये हो गई ये फ्राई। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, आपके साथ असेंबलिंग होगी और फिर बेकिंग होगी। अब मैं क्या करूँगी, ये टॉर्टिला एक मैंने ले लिया है, इस पे सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस है, होममेड पिज़्ज़ा सॉस है, आप पिज़्ज़ा सॉस रेडीमेड भी ले सकते हैं, तो वो मैंने पूरी स्प्रेड कर देनी है रोटी पे। अब ये जो मिक्सचर था चिकन का जो मैंने बना के रखा हुआ था वो ऐड करूँगी इसमें। इस तरह से मोज़रेला चीज़ मैं ऐड करूंगी ऊपर। और इसको रैप कर देंगे, पूरा रोल बना लेंगे इसका इस तरह से। ये देखिए इस तरह से मैंने ये कर दिया। इस तरह से आप जितनी रोटियां बन सके, रोल बन सके, उस तरह से बना लीजिए टॉर्टिला की। अब आपने क्या करना है, कोई भी ऐसी एक बेकिंग ट्रे ले लेनी है, फिर इसमें सबसे पहले पास्ता सॉस, ये भी रेडीमेड है बाज़ार की है, ये ऐड करूँगी। इस तरह से सबसे पहले मैंने पास्ता सॉस की लेयरिंग की है, तो मैंने रोल बना के रखे हुए थे टॉर्टिला के।
देखिए इस तरह से मैंने ये लेयरिंग कर दी है। अब इसके ऊपर फिर से पास्ता सॉस ऐड करेंगे। इस तरह से मैंने ये पास्ता सॉस स्प्रेड कर दी है। अब सबसे ऊपर जो लेयरिंग आएगी लास्ट वो है चीज़ की, मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ। इसको पूरा फिल कर देना है मोज़रेला चीज़ से। ये देखिए मैंने ऊपर लेयरिंग कर दी है मोज़रेला चीज़ की। अब इसको मैं बेक करूँगी। इसको जब तक बेक करना है जब तक कि ऊपर की चीज़, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें कुक्ड है, तो जब तक मैं इसको बेक करूँगी जब तक ऊपर की सारी चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती। शिमला मिर्च ऐड कर देंगे इस तरह से स्ट्रिप्स की फॉर्म में काट के। थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करेंगे ताकि चीज़ पे कलर आ जाए। अब मैं इसको बेक करने रख रही हूँ। ये देखिए रेडी हो गया है चिकन एंचिलाडास। आप लोग भी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।